नमस्कार स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रेशर मेजरमेंट नामक चैप्टर के अंदर ब्रह्मास्त्र प्रेस तक अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मतलब कि वो सारी युक्तियां जिनका उपयोग दाब के मापन के लिए किया जाता है। दाब की यूनिट हमने पढ़ी थी कई सारी, जब हमने टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ा था, एब्सोल्यूट प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, उस समय पर कि इसकी यूनिट होती है बैरोमीटर हो सकती है, 1 एटमॉस्फेरिक हो सकती है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल, इस प्रकार से। तो जो सबसे पहली विधि है, सबसे पहले विधि देखने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार हमारे पास अवेलेबल हैं। तो दाब की तीव्रता को नापने के लिए ये देखिए हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है, दाब मापन, बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम मेथड और बैलेंसिंग बाय मैकेनिकल गेज मेथड। तो बैलेंसिंग बाय लिक्विड कॉलम मेथड में 2 प्रकार के होते हैं, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। इसमें से जो बैरोमीटर होता है वह सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के काम में आता है। उसका अध्ययन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, सिर्फ नाम हम जान पा रहे हैं कि बैरोमीटर होता है। ये सिंपल एक तरीके की नलिका होती है वैसे, पर फिलहाल सिलेबस में हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर 2 प्रकार के हो सकते हैं, अगेन सिंपल टाइप और डिफरेंशियल टाइप। सिंपल टाइप में सब क्लासिफिकेशन 3 प्रकार का है, पीडोमीटर नली दाब मापी, यू आकार नली दाब मापी और सुग्राही दाब मापी। इसमें से हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर पीडोमीटर और यू ट्यूब दाब मापी हमारे सिलेबस में है, बाकी सुग्राही टाइप हमारे सिलेबस में नहीं है। डिफरेंशियल मैनोमीटर में से एक तो यू ट्यूब डिफरेंशियल दाब मापी और उल्टा यू ट्यूब दाब मापी, मतलब कि यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये 2 प्रकार के हमारे सिलेबस के अंदर हैं। यांत्रिक दाब मापियों में मैकेनिकल गेजेस में तीनों ही हमारे सिलेबस में हैं, बॉर्डन टाइप्स, डायफ्राम टाइप्स और डेड वेट टाइप्स। तो सबसे पहले हमने ये क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम डिटेलिंग में चलते हैं इनकी। फर्स्ट इज पीजोमीटर ट्यूब। पीजोमीटर ट्यूब जो दाब मापी है, आप देख पा रही हैं चित्र, ये देखिए इसमें सिंपली नीचे आपको एक सर्कल दिख रहा है और ऊपर एक ट्यूब दिख रही है। इसका ये मतलब है कि आपके पास एक कंटेनर है या टैंक है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और उससे आपने बिल्कुल साधारण शब्दों में एक नली को अटैच कर दिया है। टैंक में लिक्विड है, फ्लूड है और नली के अंदर लिक्विड या फ्लूड अवेलेबल नहीं है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लूड का प्रवाह होगा और नली के अंदर जाकर के फ्लूड उसमें ऊपर चढ़ेगा। कहाँ तक चढ़ेगा? जितना कि प्रेशर होगा उस फ्लूड का उतना ही वो उसमें ऊपर चढ़ पाएगा। इस प्रकार से हमें उसकी हाइट से पता लग जाएगा, टैंक के सेंटर से नली में लिक्विड की ऊंचाई तक की हाइट से हमको पता लग जाएगा कि कितना उसका प्रेशर है। इसको बाद में फर्दर हम जिस यूनिट में रिक्वायरमेंट होगा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड टाइप का है हमारे पास, ये देखिए यूनिट कन्वर्जन के लिए भी फॉर्मूले ये वाला हम पढ़ चुके हैं कि दाब शीर्ष मतलब प्रेशर हेड की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी बाय ओमेगा होती है। आगे अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में इसको। तो H अगर एक बार पता होगा हमको तो उसको फ्लूड के स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करके प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है। देन है यू ट्यूब पीजोमीटर। यू ट्यूब पीजोमीटर जो सेकेंड टाइप का है, इसके लिए देखते हैं हम, ये देखिए ये है यू ट्यूब पीजोमीटर। इसमें एक कंटेनर है, कंटेनर से एक यू ट्यूब अटैच्ड है। अब कंटेनर के सेंटर से और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल लिक्विड है। आप देखिए कंटेनर से ब्लैंक यूट्यूब में लिक्विड आएगा और वो अपना स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है। ये इसमें गलत दिखा रहा है यहाँ पे कि कंटेनर से और एन हाइट तक, H1 जो है वो ब्लैंक नहीं है, वो बेसिकली द सेम लिक्विड इज़ फ्लोइंग ओवर देयर इन द यूट्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड लिम में H1 हाइट तक फ्लूड भरा हुआ है एंड राइट हैंड साइड लिम में H2 हाइट तक फ्लूड भरा हुआ है। NN हमने NN डैश एक साम्य प्लेन लिया है हमने, स्टैंडर्ड प्लेन, सिर्फ उसके ऊपर की हाइट्स का हम कैलकुलेशन करेंगे। इस प्रकार से H1 H2 में डिफरेंस के प्रकार में हम इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ये है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में ये देखिए, जब जैसे ही आपका नाम आया डिफरेंशियल, इसका मतलब होता है दाबांतर प्रकार का, दाबांतर प्रकार का
प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। तो इसमें क्या होगा, कभी भी सिंपल सिंगल टैंक की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे दो टैंक की, एक होगा टैंक वन, एक होगा टैंक टू। यहाँ पर है एम एन एंड और उनके बीच में लगी होगी एक यूट्यूब नलिका, और यूट्यूब नलिका के अंदर भरा हुआ होगा मर्करी लिक्विड, मतलब पारा। एम और एन जो दोनों हमारे पास कंटेनर्स हैं, इनमें अलग अलग फ्लूड भरा हुआ होगा, और जब हम इन तीनों को, मतलब यूट्यूब को, कंटेनर वन को और कंटेनर टू को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो चूंकि तीन लिक्विड है हमारे पास, एम लिक्विड, एन लिक्विड और मर्करी, तीनों के स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा, साम्य स्थापित होगा, और साम्य स्थापना की वजह से हमें कुछ हाइट्स प्राप्त होंगी। आप देख रहे हैं कि एच वन हाइट तक राइट हैंड साइड लिब में एन नामक फ्लूड भरा हुआ है, देन एच वन के नीचे एच टू हाइट तक, मतलब एच वन प्लस एच टू, टोटल ये लेफ्ट हैंड साइड में एम फ्लूड भरा हुआ है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट में मर्करी फील्ड है। तो इसकी कैलकुलेशन इससे प्रेशर की कैसे करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल टाइप है, तो हम लिखेंगे पी एम माइनस पी एन, मतलब एम टाइप का प्रेशर माइनस एन टाइप का प्रेशर बराबर, या आप और आसान शब्दों में हम ऐसा करें, लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं और राइट हैंड साइड के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन देखिए आप चित्र से क्या होगी, ये होगी पी एम, मतलब सबसे पहले कंटेनर का प्रेशर पी प्लस एच वन इंटू एच टू, एच वन प्लस एच टू, टोटल हाइट एम टाइप लिक्विड की एच वन प्लस एच टू, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इसकी स्पेसिफिक वेट से, ओमेगा से, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया पी एम प्लस ओमेगा एच वन प्लस एच टू, ये हो गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड की इक्वेशन होगी पी एन प्लस एच वन ओमेगा, ठीक है, एच वन ओमेगा वन और एच टू ओमेगा टू, ओ ओ डैश जो होगा वो साम्य तल होगा, इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन होगी। फिर हमारे पास हैं मैकेनिकल टाइप के प्रेशर गेजेस। इससे पहले कि इन्वर्टेड टाइप का प्रेशर गेज भी होता है, इन्वर्टेड टाइप का प्रेशर गेज सिंपली क्या होगा, जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर अभी हमने देखा उसके अंदर सारी वैल्यूज कैसी थी, उसमें ऊपर कंटेनर थे और नीचे यूट्यूब थी। इन्वर्टेड टाइप में ऊपर यूट्यूब होगी, उल्टी यूट्यूब, और नीचे दो कंटेनर्स होंगे, और जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो इक्वेशन बनेगी पी एम माइनस ओमेगा वन एच वन बराबर पी टू माइनस ओमेगा टू एच टू, इस प्रकार से, और फिर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये है मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस में कोई ना कोई ऐसी यांत्रिक युक्ति लगी हुई होगी जिसके द्वारा प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले है बॉर्डन प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज एंड डेड वेट प्रेशर गेज। तो जो पहला है बॉर्डन प्रेशर गेज, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें एक सर्कुलर आपको पैनल दिख रहा है, ठीक है, नीचे एक सर्पिलाकार आकृति है जिसमें लिखा है प्रेशर। तो बेसिकली क्या होता है, नीचे की तरफ एक पाइप लगा रहता है, रबर ट्यूब या पाइप, और वो कनेक्टेड रहता है इस सर्कुलर ट्यूब से। ये जो सर्कुलर ट्यूब है ये फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी हुई है, और या फ्रेम है ये। इस फ्रेम के अंदर आप देख रहे हैं एक और हाफ सर्किल टाइप की ये है, एक और ट्यूब है। पहले तो नंबर लिखे हुए हैं, नंबर तो ये शो कर रहे हैं कि प्रेशर कितना है ये बताएगा। उसके अंदर एक थ्री फोर्थ टाइप की एक ट्यूब है जिसमें ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बॉर्डन प्रेशर ट्यूब है। बॉर्डन प्रेशर ट्यूब स्पेशल प्रकार के फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी हुई होती है, और इसके बीच में आपको कुछ लिंकेज टाइप का दिखाई दे रहा है। वो लिंकेज क्या करता है, जो बॉर्डन ट्यूब है उस ट्यूब को एक तो जोड़ता है, लिंकेज उससे कनेक्ट करता है निडल को। एक निडल आपको दिख रही है 9 और 10 के बीच में, जो मूव कर सकती है पूरे स्केल के ऊपर, एंड साथ ही कुछ इस प्रकार का लिंकेज कनेक्शन होता है कि जैसे ही बॉर्डन ट्यूब, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, फ्लूड जब नीचे से आएगा तो ट्यूब के अंदर आएगा, जब ज़्यादा प्रेशर से फ्लूड आएगा तो ट्यूब फैलेगी, और कम प्रेशर से फ्लूड आएगा तो ट्यूब सिकुड़ेगी। तो क्या होगा कि इस लिंकेज की सहायता से ट्यूब के संकुचन और एक्सपांशन, इसकी वजह से, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन की वजह से क्या होगा, जो लिंकेज है वो डाइवर्ट होगा, और लिंकेज के डाइवर्जन से निडल डाइवर्ट होगी, और निडल जहाँ पर जाकर के रुकेगी वो अंक दर्शाएगा कि
फ्लूड का प्रेशर कितना है। इस प्रकार से बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज काम करता है। इसका जो उपयोग होता है वो मुख्यतः लो प्रेशर गेज उसके लिए किया जाता है, लो प्रेशर फ्लूड्स के लिए किया जाता है। और ये कांसे की पतली चादर की बनी एक नजीली नलिका होती है जो कि फ्लूड के प्रेशर के अकॉर्डिंग मूवमेंट करती है। नेक्स्ट है हमारा डायफ्राम प्रेशर गेज। पहले वाले में तो बॉर्डन ट्यूब थी, इसमें डायफ्राम होता है। डायफ्राम कैसा होता है बताती हैं हम आपको। ये देखिए, इसमें बाहर की तरफ अगेन एक पैनल है, पैनल पे नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब स्केल बना हुआ है, मेजरमेंट स्केल। देन एक निडल है जो लिंकेज की सहायता से, आप नीचे देख रहे हैं, नीचे एक जिगजैग टाइप का कुछ है। ये बेसिकली है आपका वैक्यूम चैम्बर, मतलब एक क्लोज स्पेस है। उस क्लोज स्पेस में आप देख रहे हैं सीसॉ स्टाइल का कुछ लगा हुआ है। वो सीसॉ स्टाइल का क्या है, एक पतली झिल्ली लगी हुई है, डायफ्राम लगा हुआ है वैक्यूम चैम्बर के अंदर। और ये डायरेक्टली, ये जो डायफ्राम है ये कनेक्टेड है किससे, लिंकेज से। डायफ्राम हमारे फेफड़ों जैसा होता है कि जब इसमें फ्लूड, जैसे अगर ज़्यादा प्रेशर का फ्लूड है तो इसको धक्का लगेगा तो ये फैलेगा, ये फैलेगा तो लिंकेज से जुड़ी हुई जो नली है वो है, निडल है, वो निडल मूवमेंट करेगी और वो ज़्यादा मूवमेंट करेगी, ज़्यादा अंक दर्शाएगी। ऐसे ही अगर लो प्रेशराइज फ्लूड है तो ये अपनी जगह पे ऑलमोस्ट साम्यावस्था में बना रहेगा या फिर कम वाइब्रेट करेगा, तो जो लिंकेज से कनेक्टेड निडल है वो कम फ्रैक्शन लेगी और अकॉर्डिंगली हम मेजरमेंट कर सकते हैं। डायफ्राम टाइप वाला जो होता है ये ज़्यादा सुग्राही होता है, मतलब इट इज़ मोर परफेक्ट देन द बॉर्डन टाइप्स, और इसका उपयोग हाई प्रेशर फ्लूड्स के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, देन थर्ड वन, दो पढ़ लिए हमने बॉर्डन टाइप, एंड ये थर्ड है हमारा डेड वेट प्रेशर गेज टाइप। डेड वेट प्रेशर गेज टाइप में लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं एक मेजरमेंट सर्कल लगा हुआ है जिसपे नंबर्स हैं और निडल है, और राइट हैंड साइड पे सिंपली एक पिस्टन असेंबली है जिसमें ऊपर एक वेट रखा हुआ है। इसका उपयोग, ये जो होता है डेड वेट प्रेशर गेज प्रेशर गेज इसका उपयोग मुख्यतः प्रेशर मेजरमेंट के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कि जो हमारा जो प्रेशर चैम्बर है या हमारे जो ये जो निडल लगी हुई है जिसके ऊपर, मतलब प्रेशर मेजरमेंट जो डिवाइस है, जो स्केल है, वो प्रॉपर प्रेशर नाप भी पा रहा है कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसको प्रिसीजन मेजरमेंट देने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये चैम्बर है, इस चैम्बर में ऊपर वेट रख दिया जाता है। ये वेट क्या करता है, पिस्टन को डाउन करता है। जो सिलेंडर होता है उसके अंदर ऑलरेडी एक फ्लूड भरा हुआ रहता है, तो फ्लूड में प्रेशर लगता है उस पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण। ये प्रेशर क्या होता है, आगे फ्लो करता है और ये जाकर के लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रेशर दिखाने वाले चैम्बर को ट्रांसफ़र होता है। ये प्रेशर दिखाने वाले चैम्बर में आप देख पा रहे हैं कि निडल लगी हुई है, तो निडल मूवमेंट करती है। अब सपोज जो हमने वेट रखा है वो है हमारे पास मान लीजिए 1 न्यूटन, और जो निडल है वो हमको दिखा रही है 0.998 मीटर। तो ये 0.002 मीटर की जो एरर आ रही है, इसको दूर करने के लिए अब क्या किया जाएगा, निडल को एडजस्ट किया जाएगा विद द सेम वेट एट 1 न्यूटन पे। ठीक है, उसको वहाँ पे सेट किया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब 1 न्यूटन राइट हैंड साइड पे रखा जाए तो वो 1 न्यूटन ही मेजर करे निडल। इस प्रकार से, और अगर मान लीजिए किसी केस में 1 न्यूटन को जो हमारी निडल है वो ज़्यादा दिखा रही है, वो दिखा रही है सपोज 1.1 न्यूटन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसएक्यूरेसी नहीं होती है, मिसएक्यूरेसी नहीं होती है, माइनर डिफरेंट होता है, हमको प्रिसीजन उसका सेट करना होता है, तो इसके लिए निडल का देन एडजस्टमेंट करके उसको मोर प्रिसाइज बनाया जाता है। तो हमने 3 प्रकार के मैकेनिकल गेजेस देखे यहाँ पर, बॉर्डन टाइप, डायफ्राम टाइप एंड डेड वेट टाइप, अचल भार दाब मापी कहा जाता है इसको। और जो अन्य हमने देखे वो थे बाय बैलेंसिंग ऑफ लिक्विड कॉलम मेथड,
उसके अंदर दो प्रकार के मुख्यतः थे, एक तो साधारण मैनोमीटर द्वारा और एक था डिफरेंशियल मैनोमीटर द्वारा, उसमें कुछ प्रकार थे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। भविष्य में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।